न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। फर्रुखाबाद के शमशाबाद टाई घाट आश्रम में संत महात्माओं ने वन विभाग द्वारा लगाए गए जंगली पेड़ों के खिलाफ विरोध जताया। महंत राजवीर देव ने चेतावनी दी कि अगर जंगली पेड़ नहीं हटाए गए तो वो अन्य जन का त्याग कर देंगे। संतों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वे जंगली पेड़ों की जगह आम के पेड़ लगाने की अनुमति दें। संत महात्माओं ने तहसील कायमगंज में धरना दिया, अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। वहाँ पर सैकड़ों मजदूर संत महात्मा रहते हैं। वन विभाग ने क्या किया कि आश्रम में लगभग 2.5 बीघे में वहाँ पर जलेबी और लिप्टिस के वृक्ष लगा दिए। तो मैंने ये कहा कि महोदय, हम 11 दिन पहले ज्ञापन देके गए थे कि इसको हटवा दिया जाए, हम आम के पौधे वहाँ पर अपनी तरफ से लगवा देंगे अगर आप लोग नहीं दोगे। तो वो अभी तक हुआ नहीं, तो हम आज धरना पर आए हैं। तब तक ये महोदय मिल गए तो इन्होंने, आपका क्या नाम है कि आप आज संपूर्ण समाधान दिवस है, संपूर्ण समाधान दिवस वहाँ आप एप्लीकेशन दें, अगर नहीं समाधान होता है तो आप अगली बार धरना पर बैठ सकते हैं। बाराबंकी में पुलिस पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा है। सोमैया चौकी के सिपाहियों पर ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि उन्होंने गांव के एक व्यक्ति से विवाद के बाद 20,000 रुपए की मांग की। जब ग्राम प्रधान ने मामले की पैरवी की तो सिपाही उन्हें धमकी देने लगे। इसके बाद दोनों सिपाहियों को चौकी से हटाकर थाने पर तैनात किया गया। कोतवाली आ रहा नहीं, हमारे गांव के हैं बेचारे, गरीब आदमी हैं, पल्लेदारी करते हैं, लेबरी करते हैं। तो इनका कल जो है पुलिस वाले बुलाएं, कुछ इनके भाई के कुछ मामला है, कोई औरत के, तो देखिए चौकी बैठा ली रोहित राजकुमार। तो ये जब जो उन्हें गणेश गए चौकी पे, भैया काहे लाए हो, तो इन्हों बैठा ली, इनका मारिंग पीटिंग। अब 20,000 रुपये इनसे मांगे, ला कहीं 20,000 रुपये दियो, नहीं तो जो है तुमका जो है 76 फंसा दिया सबका। तो इनके पापा हमारे पास 3:50 पर या 40 मिनट पर आए, कहें भैया इसी सी बात हमारे लड़के ने बैठाए हैं चौकी पे, तो हम कहें इनको बैठाए, कहें सरोज हो तो रोहित सरोज और राजकुमार, तो हमका काम है तो बताएं, तो हम कहें काम है तो कहें भैया वो लड़की औरत के। कानपुर में फ्रूटोला टॉफी खाने से 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। टॉफी गले में चिपकने से बच्चे की सांसें रुक गई। टॉफी SNN श्रीफल कन्फ्रेंशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में रजिस्टर्ड है। परिवार ने कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। घटना कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र की है। ये बड़ा सर, जो मैंने दोबारा मंगाया तो मैंने देखा इसको, तो इसका साइज बड़ा लगा, तो इसको इसी में हम लेकर देखा। क्या चाहते हैं, क्या सर? हमें कंपनी के कार्रवाई करना चाहते हैं और इसके ऊपर कार्रवाई। सरकार से क्या निवेदन चाहते हैं? सरकार से कंपनी का बाजार में, हाँ, क्या चाहते हैं सरकार से? कि बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए कंपनी। गाजियाबाद कोर्टरूम में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ अधिवक्ताओं ने हड़ताल की। कायमगंज फतेहगढ़ के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जहावर सिंह ने कहा है कि यह घटना गैर जिम्मेदार न्यायिक अधिकारी की वजह से हुई है। उन्होंने पुलिस कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये भी बताया कि पहले ही गैर जिम्मेदार न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी हो चुका है। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंप कर अपनी मांग दोहराई है। गाजियाबाद में जिस तरह से गलत तरीके से, प्रथम तो बता दें कि हम लोग न्याय व्यवस्था के आवश्यक अंग हैं और न्याय व्यवस्था के आवश्यक होने के नाते हमें अपनी बात कहने का भी हक है, हमें अपने मौके के लिए जो ताकत लगाकर बात करने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से अपनी बात कहने पर मात्र एक, मैं तो कहूँगा गैर जिम्मेदार उस जगह पर बैठा हुआ था, उसकी वजह से वो हालात बने, फिर लाठीचार्ज किया। कोर्ट प्रिमिसिस में भी अगर होता तो कोई बात नहीं, कोर्टरूम के अंदर 4 वकील नहीं होंगे, 25 पुलिस वाले लाठियां भाग रहे थे। गाजियाबाद के जिला जज अधिवक्ताओं के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कानपुर में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला जज का पुतला फूका, उनके खिलाफ नारेबाजी के। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जिला जज ने न्यायपालिका का अपमान किया, जिसके चलते उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। आज हम लोगों ने जिला जज गाजियाबाद का पुतला फूका है। उन्होंने जो लाठीचार्ज अपने यहाँ करवाया है वकीलों के ऊपर अपने कोर्ट रूम में, उसके विरोध में हम लोगों ने पुतला फूका है। हमारे जो भी अधिवक्ता भाई घायल हुए हैं उनको मैं 2 लाख रुपए मुआवजे की मांग करता हूँ। आज हम लोगों ने कानपुर बार एसोसिएशन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के नेतृत्व में यहाँ शताब्दी गेट पे उन्होंने पुतला फूका है और साथ ही मांग की गई है कि तत्काल गाजियाबाद जिला जज को बर्खास्त किया जाए, जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही घायल अधिवक्ताओं को 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और जो मुकदमा कायम किया गया उसको तत्काल स्पंज कर दिया जाए, अन्यथा उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता सड़कों पर उतरा हुआ है, उतरता रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दुगारा से खबर, जहां के सहकारी समिति पर किसानों को खाद न मिल पाने और खाद की कालाबाजारी के विरोध में सैकड़ों किसान सड़कों पर दिखाई दिए और मऊरानीपुर गुड़सराय मार्ग पर बैठकर जाम लगा दिया। वहीं जाम की सूचना पर तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गए। किसानों की मांग है कि उन्हें खेती किसानी के लिए खाद की जरूरत है, जो कई हफ्तों से चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिल रहा है, जिससे नाराज किसान सड़कों पर उतरकर जाम लगाए हुए हैं। पीलीभीत में तहसील अमरिया में सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें कुल 9 शिकायतें आईं। हालांकि केवल 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हो पाया। जिलाधिकारी संजय सिंह, एएसपी वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। त्योहारों के चलते नवम्बर का पहला समाधान दिवस सम्पन्न हुआ। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज तहसील अमरिया में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया और इसमें कुल 9 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें प्रमुखता से पेंशन की शिकायतें, विकलांग कल्याण की शिकायतें और राजस्व संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, पुलिस से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। 2 प्रकरणों में मौके पर टीम भेजकर शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण किया गया और उनका निस्तारण कराया गया। हमीरपुर में पत्रकारों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में महोबा मीडिया सड़क पर उतर आई। पत्रकारों ने काले झंडे, बैनर और तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। आरोपी नगर पंचायत चेयरमैन का पुतला जलाया। सरीला में 2 पत्रकारों के साथ मारपीट और फतेहपुर में एक रिपोर्टर की हत्या के खिलाफ नारेबाजी की गई। विभिन्न पत्रकार संगठन ने आज सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम को सौंपा है। विरोध प्रदर्शन को ब्राह्मण समाज, अधिवक्ताओं, किसान संगठनों का समर्थन मिला। कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। गाजियाबाद में पुलिस द्वारा वकीलों की पिटाई के मामले में उत्तर प्रदेश में सामूहिक अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में पीलीभीत में सैकड़ों अधिवक्ता पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों को रखा। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे सुरक्षित नहीं है, उनके लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू किया जाए, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिन पुलिस वालों के द्वारा वकीलों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया था, उन सभी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। आए दिन आम तौर पर देखा जा रहा है समाज में अधिवक्ताओं को जानबूझकर जलील किया जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी अगर अधिवक्ता की ओर से मुकदमा लिखा जाता है तो डेलिब्रेटली जानते हुए क्रॉस केस के रूप में मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता समाज का उपहास उड़ाने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए आज उत्तर प्रदेश में, समुचित उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने की तत्काल आवश्यकता है। हमीरपुर में पत्रकारों के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ सभी पत्रकार संगठनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। 27 अक्टूबर को नगर पंचायत अध्यक्ष ने 2 पत्रकारों के साथ मारपीट की और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। पत्रकारों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और फर्जी मुकदमे हटाने की मांग की है। वे तब तक अनशन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है। अखिलेश राजपूत, जिनके ऊपर पहले से ही 15 मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर और कुर्की वगैरह भी उनकी हो चुकी है, लेखपाल को मारा था, चौकी इंचार्ज का सर फोड़ा था आदि, कम से कम 8-9 अपराधी पहले से ही वहाँ छिपे हुए थे अंदर। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम जैसे ही अंदर जाते हैं वार्तालाप होता है, वार्तालाप के बाद षड्यंत्र के तहत लाइट बंद होती है, तब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई है। उसके बाद कट्टा बंदूकों से लैस होकर ये लोग आए और हमारे साथ निर्वस्त करके मुझे लगभग तीन चार घंटे मेरे साथ बंधक बना के जो यातनाएं दी गई वो मुझे नहीं लगता कि फिल्मों में भी देखने को मिलता होगा। गाजीपुर में शिव सर्जिकल अस्पताल की लापरवाही से एक जच्चा और उसके बच्चे की मौत का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि 24 वर्षीय रामप्यारी को जब अस्पताल लाया गया तो वो स्वस्थ थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई। वाराणसी ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने अस्पताल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। डॉक्टर ए के राय ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मरीज को पहले से ही समस्या थी, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोतवाली इलाके के रोजा के स्थित एक अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत का मामला है। परिजनों ने हंगामा किया, क्या था पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? दिनांक 3/11/24 को एक नंदगंज निवासी कन्हैया बिंद, उनकी बहू को, अपनी बहू को लेके ये उसके प्रसव के लिए इस हॉस्पिटल में लेके आए थे। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन्होंने बनारस के लिए रेफ़र कर दिया। बनारस में दीर्घ आयु सेंटर, वहाँ पर जब तक ये पहुँचती था तो उसकी डेथ हो गई। परिजनों ने डेड बॉडी को लाकर सर्जिकल नर्सिंग होम में रख दिया और उनसे डॉक्टर के ऊपर लापरवाही, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है। इसमें आरोपी गिरफ्तार भी हो सकता? जी नहीं, अभी नहीं, अभी जांच चल रही है। पहले पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद जो एविडेंसेस आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में 14 बीघा का नया पुल वाहनों की पार्किंग का अड्डा बन गया है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। पुल पर भारी वाहनों की मौजूदगी से खतरा बढ़ गया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पुलिस पिकेट और चौकी वहां मौजूद है।
इसके अलावा शाम के समय सब्जी और फल बेचने वाली ठेलियां भी पुल पर खड़ी होती है। पुलिस अधिकारियों ने जल्दी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नवरात्र के मौके पर चलियापाणी में आदिशक्ति माँ गिरिजा भवानी राजा राजेश्वरी के मंदिर में सावन चमोली की सांस्कृतिक टीम ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। महिला मंगल दल ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद जागरूक की शानदार प्रस्तुतियां हुई। भक्तों ने देवी देवताओं के दर्शनों आशीर्वाद का लाभ उठाया। मंगलवार को लोकगायक दिगंबर सिंह मिश्र का कार्यक्रम होगा। श्रद्धालुओं को बैज और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पहले माँ भगवती गिरिजा देवी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर बुलावा था, और साथ ही आप जैसे पत्रकार लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारी पहाड़ की संस्कृति देवी देवता है, हमारे जो कौतिक हैं, मेले हैं, इनको आप प्रोत्साहन दे रहे हैं और इनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा उत्तराखंड का सौभाग्य है, हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट का सौभाग्य है। मैं भी बहुत बड़ा सौभाग्य हूँ कि आज यहाँ आया, मुझे भी बुलावा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दूर दूरस्थ गांव है, पहाड़ है, जो सच में कहते हैं कि माँ पहाड़ों में रहती है, तो शायद यहाँ माँ भगवती देवी देवताओं का वास है। तो बहुत खुशी हुई यहाँ पर भजन गाते हुए, जागर गाते हुए, और बहुत से जागरों में लोग थिरके भी, देवी देवता का अवतरण भी हुआ। तो माँ गिरिजा देवी की इस स्थान में आकर मैं धन्य हो गया, और साथ ही यहाँ के सभी लोगों का, यहाँ के पशुनामान देवी देवताओं का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जौनपुर में 17 साल के ट्वाइकोंडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रमेश और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार को आरोपी धमकी दे रहे हैं, जबकि थाना अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। परिवार ने डीएम से मिलकर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। डीएम ने जाँच का आश्वासन दिया, लेकिन परिजनों का विश्वास अभी भी डगमगाया हुआ है। सर ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, उसके घर तो बुलडोजर चलेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या ये जंगल का है? किसी को काट दिया जाएगा? बहुत बच्चा काट दिया नहीं, जो अभी तक कार्रवाई हुई, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी बड़ी घटना हुई, इस पर कोई कार्रवाई हुई, इस पर आप सब कितने संतुष्ट हैं? आप गिरफ्तारी वगैरह ये लोग दिखा रहे हैं, चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, दो लोग अभी फरार चल रहे हैं। कितने संतुष्ट हैं कार्रवाई से ये बताइए। हरदोई में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर आयोजित बैठक में गाजियाबाद के अधिवक्ता के साथ ही बस रुके के खिलाफ हड़ताल का फैसला लिया गया। अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने न्यायालय द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जनपद न्यायाधीश संबंधित पुलिस अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की है। 4 तारीख को गाजियाबाद में जो बर्बरता पूर्वक पुलिस प्रशासन ने एक कमरा बंद करवा के जिला जज के आदेशों से वहाँ की पुलिस ने जो वकीलों पर लाठी चार्ज की, जिसमें हमारे कई अधिवक्ता साथी घायल हो गए और अस्पताल तक में एडमिट हुए, इसी बाबत हम लोगों में आक्रोश था। हम लोगों में बहुत ज़्यादा इस आक्रोश हम लोगों के अंदर था। उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है ज्ञापन एक माननीय न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। पौड़ी जिले के कांडा स्थित मंजू घोषवर मंदिर में आयोजित मंजू घोष मेले में 41 निशान चढ़ाए गए। श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण होने पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। मेले का समापन होने के साथ ही मंदिर के कपाट एक महीने के लिए बंद कर दिए गए। अंतिम दिन कंडी और उफलडा गांव के ग्रामीणों निशान चढ़ाए हैं। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही, जिससे पुलिस को व्यवस्था में परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।